बिग बॉस सीजन 17 के फिनाले वीकेंड पर मीडिया राउंड में अभिषेक ने खोली ईशा की पोल अपने रिश्तों पर, मेडिकल कंडीशन पर पहली बार मीडिया के सामने किया बड़ा खुलासा, जिसे देखकर हो गए सभी लोग हैरान। मीडिया वालों ने आखिर क्यों लगाई अभिषेक को फटकार, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। अभिषेक से बहुत सारे तीखे सवाल पूछे गए कि आप घर में मारपीट करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो और बहुत सारी चीज़ें की गई। अभिषेक ने थप्पड़ जड़ दिया था बिग बॉस के घर में, जो कि रूल के अगेंस्ट है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मीडिया ने बनाया वो यही बनाया कि आपने आखिर समर्थ को थप्पड़ क्यों मारा। और समर्थ के थप्पड़ मारने के बाद भले ही मीडिया कुछ भी सवाल कर रही हो, लेकिन अभिषेक का वही दिन था, वही थप्पड़ था जिसने अभिषेक को हीरो बना दिया। समर्थ और ईशा ने जिस तरीके से अभिषेक को परेशान किया था, अभिषेक ने कहा कि मैं अपना आपा खो चुका था, मुझे हर तरफ से पोकिंग की गई, मेंटल टॉर्चर किया गया, बाप का मेंटल लौंडा, ये सारी बातें बोली गई और मैं अपने बाप के बारे में नहीं सुन सकता हूँ। ये सब बात बोलने के बाद अभिषेक ने कहा कि ईशा ने जो भी बातें बिग बॉस के घर में कही, मीडिया ने सवाल दागे अभिषेक से कि आखिर ईशा जब आपसे ब्रेकअप कर चुकी थी, ईशा अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी थी, तो ईशा को कैसे पता कि आप मेंटली कितना ज़्यादा वीक हो गए थे, आप डॉक्टरों से सलाह ले रहे थे, आप मेडिटेशन में थे, आप 6 महीने तक मेडिकल कंडीशन आपकी बिल्कुल ख़राब थी। इस पर अभिषेक ने बड़े तीखे बयान दिए। अभिषेक ने कहा कि मैंने ही ये सारी बातें ईशा को बताई थी और उस वक्त हम लोग मूव ऑन नहीं किए थे, हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव वाले थे। लेकिन अभिषेक ने यहाँ पर ईशा की पोल खोल दी है, यानी कि सबके सामने ईशा को एक्सपोज कर दिया है। जो बातें अभिषेक ने कहा कि मैंने तो पर्सनली ईशा को बताया था, लेकिन ईशा आकर नेशनल टेलीविज़न पर इसकी धज्जियाँ उड़ाई, मुझे ये बातें नहीं पता थी और मैं सबसे ज्यादा शर्मसार तब हुआ जब ईशा ने लोगों के सामने ये बातें बोली और पोल खोली और ये कहा कि ये तो पागल है, इसको मेंटली वीक है, ये इसको इलाज की जरूरत है और बहुत सारी चीजें। मुझे टॉर्चर किया गया शो में और ये कहा गया कि अपना आधा इलाज छुड़वा कर आया है, मैं इलाज में ही गया था ईशा की वजह से, ईशा ने मुझे ब्रेकअप, ईशा के साथ ब्रेकअप हुआ और मैं अपने आप की मेंटल हेल्थ को सुधार नहीं पाया था, मेरी फैमिली वालों को, मेरे डॉक्टर को सारी सच्चाई पता है। अभिषेक ने बोला कि ये सारी बातें ईशा को पता थी पहले, लेकिन बावजूद ईशा को मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने शो में ज्यादा मजा आ रहा था, जिसके चलते वो लगातार मुझे पोक कर रही थी और बार बार समर्थ के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। अभिषेक को फटकार लगाया है मीडिया ने, यहां पर अभिषेक ने मुनव्वर का साथ दिया है। हालांकि अभिषेक ने मुनव्वर से सच्ची दोस्ती निभाई है, ये बात तो मैं नहीं, खुद ब खुद सलमान खान भी कह चुके हैं, मीडिया वाले भी ये कहते नजर आए कि अभिषेक तुमने जो दोस्ती मुनव्वर से निभाई है वो बिल्कुल भाईचारे वाली थी। अब अभिषेक को एक बार फिर फटकार पड़ी है मुनव्वर की वजह से, जब मुनव्वर को बोला गया कि तुम वुमनाइजर हो, लड़कियों को यूज करते हो, न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे चुंगुल में फंस चुकी हैं। इस पर अभिषेक ने बीच बचाव किया मुनव्वर का और ये कहा कि ये तो बहुत कॉमन बात है, मुनव्वर नेशनल टेलीविजन पर फंस गया है, उसकी बातें सारी सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए लोग उसे कल्प्रिट मान रहे हैं, बाकी सब कोई ये चीजें करते हैं, ईशा भी दूध की धूली नहीं है, आयशा भी दूध की धूली नहीं है। ये बात जैसे ही मीडिया ने सुना, मीडिया ने फटकार लगाई अभिषेक को कि एक तो तुम मार पिटाई करते हो, दूसरा लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है, एक साथ 4-5 रिलेशन बनाता है और आप अपने दोस्त को डिफेंड कर रहे हो। इस पर मीडिया और अभिषेक के साथ बीच बहस शुरू हो गई है और सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है अभिषेक और मुनव्वर का मुद्दा। मुनव्वर के बाद अभिषेक टारगेट पर आ गए हैं मीडिया वालों के और मीडिया वालों ने एक झड़ी लगा दी है सवालों की। अभिषेक को पूरी तरह से ट्रोल कर दिया है सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि अभिषेक ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अभिषेक ने बेबाकी से जवाब रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों की बोलती बंद कर दी। आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि जी हाँ अभिषेक ने जो भी बातें बोली वो बिल्कुल सही था, ईशा जो है वो आते से ही अभिषेक को बदनाम ही कर रही थी। और रही बात भाईचारे की, तो अभिषेक ने हर वक्त मुनव्वर का साथ दिया है, उसने हमेशा से ही मुनव्वर से सच्ची वाला भाईचारा उसने निभाया है। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन अभिषेक के इस कंट्रोवर्सी पर, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।